तो गाइस स्वागत करता हूँ आप सबका मैं अपने एक और फ्रेश और नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप सबको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफी हैंडी साबित होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए गाइस अपने साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को इसमें एक ट्रिक्स के बारे में बताने वाला, एक टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसा अगर आप सबको पता है कि फुल स्क्रीन जैसे हम लोगों को देखने को मिलती है अपने डिवाइस में, तो गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर हम लोग को फुल स्क्रीन जैसे की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, जिससे हम लोग अपने फ़ोन को जेस्चर की मदद से यूज कर सकते हैं। स्वाइप अप, नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो हम लोग होम में जा सकते हैं, स्वाइप अप होल्ड करेंगे तो रिसेंट में जा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से कस्टमाइजेशन हम लोग देखने को मिलती है, लेकिन गाइस फुल स्क्रीन डिस्प्ले में हम लोग को बहुत से बग्स देखने को मिलती है, पूरी तरह वो ऑप्टिमाइज नहीं है। आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं फुल स्क्रीन जेस्चर को, लेकिन आप लोग उसमें काफ़ी सारे बग्स को नोटिस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सबको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को फुल स्क्रीन जेस्चर भी बताऊँगा और साथ ही साथ आप लोग नेविगेशन बटन को भी काम कर सकते हैं, यूज़ में कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी मेरे फ़ोन में नेविगेशन बटन इनेबल है, बटन्स वाली ऑप्शन इनेबल है। मैं यहाँ से बैक करूँगा और यहाँ से मेरी फ़ोन बैक हो गई है। यहाँ से भी बैक करेंगे इसे फ़ोन बैक हो जाएगी। फिर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ से होम टैप करते हैं तो होम टैप हो जाएगी और यहाँ से हम लोग बैक कर सकते हैं या फिर हम लोग इधर से भी बैक कर सकते हैं। तो गाइस इस जेस्चर को एक्टिवेट करने के लिए, इनेबल करने के लिए आपको अपने डिवाइस को रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लेना, मैं यहाँ पर लिंक एपी के यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा और अगर पॉसिबल हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो उसके लिए गाइज आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी माई जेस्चर, उसे इंस्टॉल करने के बाद गाइज आप लोगों को सिर्फ इस वाले ऑप्शन पर जाना है और इसे यहाँ पे इनेबल कर देना है डिस्प्ले ओवर दी अदर एप्स, और इस वाले ऑप्शन में जाकर गाइज एक्सेसिबिलिटी को भी यहाँ पर इनेबल कर देना, ऑन कर देना माई जेस्चर को। ये दोनों काम करने के बाद गाइज हम लोग को यह बैक जेस्चर देखने को मिल जाएगी। हो सकता है गाइज इसमें और भी कुछ फीचर्स हम लोग को देखने को मिली होगी, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में है तो कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं चाइनीज लैंग्वेज को कन्वर्ट करके मैं कोशिश करूंगा इसके रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ कि इसमें और क्या क्या फंक्शन हम लोग को देखने को मिलती है। तो अभी के लिए गाइज इसमें जो बैक जेस्चर है अच्छी तरीके से काम करती है, आप लोग भी इसे अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। कोई भी लैग हम लोग को देखने को नहीं मिली है, सिंगल टच में काम कर जा रही है। तो गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक के लिए इस चैनल पर बने रहिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दिए, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दिए ताकि आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।